हेलो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग जापान ट्रिप का सबसे पहला व्लॉग है जिसमें हम हमारे डे वन के बारे में बात करेंगे। जिस दिन हम जापान पहुंचे थे उस दिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। हमारे जापान ट्रिप की शुरुआत हुई थी ताइवान के ताइनान शहर से। हमारी फ्लाइट टोक्यो के नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए थी, टावियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताइपे से। और हाँ, ताइपे एयरपोर्ट जो है वो हमारी सिटी से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। और हमारी फ़्लाइट सुबह 7:30 बजे थी, तो हमने 5 बजे पहुंचने का प्लान किया था। तो हमने रात को 12 बजे बस पकड़ी थी और एयरपोर्ट जाने के लिए, और सुबह हम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और हम 6:30 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट पे अंदर बैठ भी गए थे जाके, लेकिन बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी फ़्लाइट लेट हुई। और बाद में फ़्लाइट 9:30 बजे उड़ी और जापान के टाइम के हिसाब से हम पहुँच गए थे 1:30 बजे। हम टोक्यो के नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, टर्मिनल 3 पर हम पहुँचे थे। तो टोक्यो का जो नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टोक्यो सिटी से लगभग लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए कई सारे मीडियम्स हैं, जैसे आप सुपर फास्ट ट्रेन से जा सकते हैं, फास्ट ट्रेन से जा सकते हैं, लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकते हैं, और आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है और दूसरी ट्रेन का किराया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उनका किराया थोड़ा कम होता है। मुझे याद है हमने कैसे ही लिमिटेड ट्रेन ली थी हमने उनो स्टेशन के लिए, तो उसका किराया लगभग 750 येन था। तो उसके बाद हम निपोरी स्टेशन पहुंच गए थे तकरीबन 5 बजे के आसपास। और हमारा होटल जो था सकुरा होटल निपोरी स्टेशन से सिर्फ 750 मीटर दूर था, और हम तकरीबन 5:30 से 6:45 बजे के आसपास होटल हम पहुंच गए थे। शाम एकदम हो चुकी थी, सनसेट होने ही वाला था। उसके बाद हम जैसे ही होटल पहुंचे हमने चेक इन किया, बहुत ही अच्छे लोग थे होटल के, और उन्होंने इस तरह से दिखाया जैसे वो हमारे लिए ईगरली वेट कर रहे हो हमारे पहुँचने का। हमारा उन्होंने वेलकम किया और हमारे चेक इन में हमें 5 मिनट भी नहीं लगे। उसके बाद हमारा लगेज उन्होंने पहुंचा दिया हमारे रूम पे। तो वो फरवरी का महीना था, तो मुझे याद बहुत ठंड थी बाहर, लेकिन होटल के अंदर पूरे होटल में जो है हीटर लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा जो है इन्वायरमेंट था होटल के अंदर। तो उस दिन ने हमने प्लान किया था कि हम एक सिम कार्ड ले लेंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आपको पता है कि ऐसे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपना खुद ही प्लान किया था घूमने का, तो बिना इंटरनेट के तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हमारा प्लान था कि हम पहले ही सिम कार्ड ले लेंगे। तो हमने हमारा सामान रखा होटल में और थोड़े फ्रेश हुए, और लगभग लगभग आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही हम वहाँ से वापस से निपोरी स्टेशन आए, और हमने वहाँ से मेट्रो पकड़ी और जापान का इलेक्ट्रिक टाउन जो बोला जाता अकीहाबा बोलते हैं उसको, वहाँ पर हम पहुँच गए। वहाँ पर मैंने पहले ही थोड़ा लिटरेचर कर लिया था कि कहाँ से सिम कार्ड खरीदना है। एक दो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, तो हम एक शॉपिंग मॉल में गए तो वहाँ पर हमको सिम कार्ड नहीं मिला। तो फिर हम दूसरे सिम योदोबाशी जो मॉल था वहाँ पर पहुँचे, उसके ग्राउंड फ्लोर पे हमको सिम कार्ड मिला। उस सिम कार्ड का फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो हमने सिम कार्ड लिया, तो जैसे ही हम सिम कार्ड खरीद के आ रहे थे तो फिर हमने इंट्रेंस पे देखा, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था, तो हम देख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि पिछली पूरी रात भी हम सोए नहीं थे और पूरा दिन भी हम सोए नहीं, तो हमें काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। तो हम तुरंत ही हम टॉप फ्लोर पे गए, युद्धवासी जो मॉल था उसके टॉप फ्लोर पे इंडियन रेस्टोरेंट था, कोबारा हिट्टा नाम था उस रेस्टोरेंट का। तो वहाँ पर हमने नान खाए और सब्जी खाई, और बहुत ही अच्छा लगा हमको खाना खा के। 2 दिन से लगभग हम अच्छे से खाना खाए नहीं थे। तो उसके बाद हम वहाँ से वो जो युद्धवासी जो कैमरा शॉप है वो एकदम स्टेशन अकीहाबारा स्टेशन के पास में ही है, तो हमने वापस से ट्रेन पकड़ी, हम निपोरी स्टेशन आए। और निपोरी स्टेशन से तो हमारा सिर्फ 15-20 मिनट का वॉकिंग पे ही था हमारा होटल। तो हम हमारे होटल आए और हम इतने थक गए थे कि अब खाना खा के भी तृप्त हो गए थे, हम आते ही हम सो गए। और इस तरह से हमारा ये डे वन था। थोड़ा सा हेक्टिक था हमारे पूरा, हम रात को हम बस में थे, फिर दिन में हम फ्लाइट में एयरपोर्ट्स पे रहे, और उसके बाद आते आते रात हो चुकी थी। तो हम पूरा अति आराम किया हमने उस दिन।
तो अगले दिन सुबह हम फिर घूमने के लिए निकले, और अगले दिन की कहानी मैं आपको अगले व्लॉग में सुनाऊंगा कि किस तरह से हम सुबह सुबह जैसे निकले, तो मैं और मेरी वाइफ थोड़ी टाइम के लिए हम जो है ना गुम भी हो गए थे। तो उस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में मैं अपने अगले व्लॉग के बारे में बताता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।